सिकंदर सिंह मलूका दी नू परमपाल कौर बीजेपी भी शामिल हो गई सी, पर इस शामिल होने नू लेके सवाल उठने शुरू हो गए ने। इस दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो जिहड़ी के बुलेटिन दी इस महाकवरेज दी शुरुआत करन जा रहे हैं, जिथे कि अज वड्डी ज्वाइनिंग हुई दिल्ली दे विच बीजेपी हैडक्वार्टर दे। इस दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है मलूका दी नू दे बीजेपी ज्वाइन करन ते सीएम मान दा वड्डा बयान आया है। परमपाल कौर दा अस्तीफा हले मंजूर नहीं होया, सीएम मान दे वड्डा बयान दिता गया है। आईएएस अफसर दे तौर ते अस्तीफा सरकार ने मंजूर नहीं किया। बीबा जी आईएएस दी नौकरी छड्डण वास्ते कई तौर तरीके ने, मुख्यमंत्री मान दे वड्डा बयान दिता गया, उन्होंने कहा कि अस्तीफा देने दे तरीके समझो। बिल्कुल, इस तो अगली लाइन जिहड़ी सीएम ने लिखी है उसके एक चेतावनी भी है, सारी उम्र की कमाई खतरे में पै सकती है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और ट्वीट के लिखते हैं परमपाल कौर जी आईएएस अफसर के तौर पर अस्तीफा पंजाब सरकार वालों मंजूर नहीं किया गया। बीबा जी जिनी काली आईएएस बनन दी सी छड्डन वास्ते कोई तौर तरीके हुंदे ने, कृपा करके अस्तीफा देने दे तरीके समझो, नहीं तो सारी उम्र की कमाई खतरे में पै सकती। अपने आप दे विच इह वड्डी जानकारी मुख्यमंत्री मान दे नूं सांझी कीती गई है ते नाल ही चेतावनी भी दित्ती है। सो इस तों अपने आप दे विच मायने कढ़े जा सकदे ने। हालांकि दिल्ली दे विच जदों इह वड्डी ज्वाइनिंग हुई, जदों कि परमपाल कौर ते नाल ही सिकंदर सिंह मलूका दे जिहड़े पुत्तर ने उन्हां दे वल्लों बीजेपी पार्टी कदों ज्वाइन कीती, हालांकि उत्थे इस गल दी जानकारी दित्ती गई कि कल शाम नूं इस्तीफा मंजूर हो गया है। पर अपने आप दे विच इक वड्डा ट्विस्ट किया जा सकदा, मुख्यमंत्री भगवंत मान जिहड़े कि सूबे दे मुख्यमंत्री ने, उन्हां दे वल्लों इह वड्डा दावा किया जा रहा, वड्डी जानकारी दित्ती गई कि अस्तीफा हाले मंजूर नहीं होया, ते नाल ही तौर तरीके भी उन्होंने समझाए कि जदों कोई आईएएस अफसर अस्तीफा दिंदा है अपने अहुदे तों तां इक तौर तरीके हुंदे आ, इक उहदी प्रक्रिया हुंदी, इक प्रोसीजर हुंदा, उसनूं फॉलो करना हुंदा। सिधे सिधे तौर ते इही मुख्यमंत्री मान दे वल्लों कहा जा रहा है। बिल्कुल परमिंदर, यह कहा जा रहा है, पर इतने इस तस्वीर के जी सब तो इंटरेस्टिंग फैक्टर हैगा है कि परमपाल कौर खुद आईएएस अफसर ने, उन्होंने ज्वाइन कराने वाले हरदीप सिंह पुरी आईएफएस ऑफिसर रहे ने, आईएफएस की सर्विसिज तो बाद पॉलिटिक्स के आते हैं, तो आईएफएस ऑफिसर जो एक सबका आईएफएस ऑफिसर एक एक्स आईएएस ऑफिसर ज्वाइन कराया तो जनरल जी गल है, गलबात होंगी है ज्वाइनिंग तो पहला, उस वे पूछा गया होना है, जरूर गलबात हुई होनी है, रिजाइन कदों किया, असैप्टेंस हुई है नहीं हुई, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन है, आईएएस के लिए रूल्स रेगुलेशन होंगे ने। इस तस्वीर के अपने आप में खास है, जो दावा मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि परमपाल कौर का अस्तीफा मंजूर नहीं होया, ताकि परमपाल कौर बिना अस्तीफा मंजूर होए बीजेपी ज्वाइन करन चले गए ने, एक ट्विस्ट अपने आप में वेखने वाला है। मैं और मेरे पति दोनों इकट्ठे ही आज बीजेपी में आ रहे हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल करियर इससे पहले नहीं रहा, मैं प्रशासनिक सेवा से हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अब शुरुआत करने जा रही थी अपने पॉलिटिकल करियर की, तो मैंने सारी पार्टियों को देख लिया, मतलब सारी पार्टियों को देख के, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आ रही हूँ, तो मेरा मानना यही था कि हमें बेस्ट पार्टी ही चुननी चाहिए। तो पिछले 10 सालों से जो भारत ने विकास किया है, बीजेपी के अंडर जो विकास हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, जो डिजिटाइजेशन हुई है, और जो भी महिलाओं के लिए, समाज सुधार के लिए, और जो आने वाला प्रोग्राम है बीजेपी का अगले सालों में, अगले 2047 तक, जो भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का जो संकल्प है बीजेपी का, उन सबसे प्रभावित होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, ताकि उसमें मैं भी अपना कोई कुछ ना कुछ योगदान डाल सकूं। मुझे किसी और पार्टी का कोई खास भविष्य भी नहीं नजर आता, और उनका कोई विजन भी नहीं नजर आता कि वो, उनका विजन कुछ चुनाव जीतना हो सकता है, जिसमें भी वो लगता है कि किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके आसपास भी वो नहीं है। लेकिन इन ये जो नीतियां हैं बीजेपी की, वो बहुत ही प्रभावशाली है। इसमें जो पंजाब स्टेट की कुछ समस्याएं, कोई प्रॉब्लम्स ने, उनको सॉल्व करने के लिए एक अच्छे वकील के रूप में अपना रोल अदा करने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, ताजो पंजाब स्टेट के लिए और इस समुचे देश के लिए अच्छा आने वाले समय में रोल अदा कर सकूं और अच्छा काम कर सकूं। डेवलपमेंट की जो पंजाब में रफ्तार है उसको बढ़ा सकें और जो लोगों को और राहत दे सकते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम से,
वो दे सके, क्योंकि हर स्कीम सेंटर से बनती है, सेंटर से फंड जड़े उपलब्ध होते हैं सभी स्टेट्स को, और उनको अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना, कर कर पहचाना, उस जिम्मेवारी को निभाना पार्टी के जरिए कार्यकर्ता या उस स्टेट के कोई भी उसका प्रबंध चला रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है। जिला परिषद के चेयरमैन, उनके पति, उन्होंने भी अभी पार्टी ज्वाइन की है, और मुझे लगता है कि परमपाल कौर जी का आना, उनके पति का बीजेपी में आना, ये एक अलग ताकत पंजाब भाजपा को, पंजाब में जो विकसित भारत, विकसित पंजाब का चित्र हमको निर्माण करना है, उसमें उनका बड़ा योगदान होगा। उन दोनों का भी मैं स्वागत करता हूं, और सिविल सर्विस छोड़कर फील्ड में आने का जो निर्णय परमपाल कौर दीदी ने किया है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं और दोनों का मन से स्वागत करता हूं। ये परमपाल कौर जी पूर्व अधिकारी हैं, वो पूर्व शब्द सही है, पर ये कल तक थी आईएएस में, इनकी रेजिग्नेशन भी कल ही एक्सेप्ट हुई है, तो मुझे लगता है कि इनके हमारे साथ जुड़ना एक बहुत मीनिंग रखता है, और आने वाले समय में मुझे लगता है आप भी गुरप्रीत सिंह मालूका जी, रोहन गुप्ता जी, जहानजैब सिरवाल जी, आप सबको कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। और जो हमारा ये जन सेवा और विकसित भारत बनाने का कि ये जो यात्रा है, उस सब में आपको कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। अभी सा दिल्ली दे विच वड्डी जॉइनिंग हुई सिकंदर सिंह मलूका दे नूं पुत जिहड़े कि बीजेपी दे विच शामिल हो गए, ते इस दे बाद हुण श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों वी वड्डा बयान आया है। श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों जो अज दिल्ली तों तस्वीरां आईयां, उस ते वड्डा बयान दित्ता गया कि केंद्रीय पार्टियां दे वल्लों जिहड़ियां कि स्थानक पार्टियां ने, खेतरी पार्टियां ने, उहनां नूं खतम करन दी कोशिश की जा रही है। श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों सीधे सीधे तौर ते बीजेपी ते वड्डा हमला बोलिया गया। बिल्कुल वड्डा हमला बोलिया गया, और मलूका दे नूं पुत्ते बीजेपी विच जाण ते वड्डा बयान, कौमी पार्टियां दादागिरी ते उतरियां ने। श्रोमणी अकाली दल कह रहा है खेतरी पार्टियां नूं खत्म करन ते नैशनल पार्टियां तुलियां हुई ने, और देश दे विच खेतरवाद नूं वड्डा खतरा पैदा होया है। अपने साधन वरत के खेतरी पार्टियां दा नुकसान कर रही ने कौमी पार्टियां, यह श्रोमणी अकाली दल ने प्रतिक्रम दिता है। उस एक पासे गल बीजेपी की कीती जावे, हालांकि श्रोमणी अकाली दल की पुरानी भाईवाल पार्टी है, हालांकि गठजोड़ नहीं हो सकिया, उस तो बाद ही तय होया कि आप अपने पद्धर से लोकसभा चोन लड़ी जाएगी। पर जदों दिल्ली दे विच सिकंदर सिंह मलूका दे नूह पुत जिहड़े कि वह बीजेपी दे विच चले जाते हैं, तो उस तो बाद ही हुण अकाली दल का दरअसल यह वड्डा बयान सामने आया। अकाली दल का कहना है कि कौमी पार्टियां दादागिरी से उतर आई ने, खेतरी पार्टियां खत्म करते नैशनल पार्टियां तुलिया हुई ने, देश दे विच खेतरवाद नूं, खेतरीवाद नूं वड्डा खतरा पैदा होया, अपने साधन वरत के खेतरी पार्टियां नूं नुकसान किया जा रहा है। बिल्कुल देखो गल ये आ कि राजनीति, मैं जिवें पहला भी कहा भी कोई भी चीज असंभव नहीं हुंदी, ते अज जिहड़ा राजनीति दा माहौल पैदा हो रहा, मैनूं इस गल ते मैं सरेआम कह सकदा कि जिहड़ियां राष्ट्रीय पार्टियां, नैशनल पार्टियां, वह दादागिरी करन लग गईआं। नैशनल पार्टियां जिहड़ियां रीजनल पार्टियां नूं खत्म करन ते तुरियां, देश दे अंदर खेतरीवाद नूं बहुत वड्डा खतरा खड़ा हो गया। यह जिहड़ियां नैशनल पार्टियां इन्हां वल्लों यह अपने साधन वरत के अपने जतना राही मुल्क दे विच खेतरीवाद नूं खत्म करना चाहुंदियां ने, ते खेतरीवाद दे विच जिहड़ियां कोई बंदा, कोई परिवार, कोई व्यक्ति इन्हां दे हत्थ लगदा उहनूं मतलब भरमा के अपने नाल ला के, मतलब एक किस्म की सिधांतहीन राजनीति दी इंतहा ते अज देश खड़िया हो गया। ते कई तो ये मलूका साहब के बच्चे तो जे गए आ, कई तो एम पी सीटिंग एम पी चले गए, कई टिकटा दित्तियां चले गए। मज
श्रोमणी अकाली दल रोस प्रगटा रहा है क्योंकि वड्डे लीडर ने सिकंदर सिंह मलूका और सिकंदर सिंह मलूका के परिवार तो उन्होंने नूह और पुत जेकर बीजेपी में शामिल हो जाए तो फिर सवाल चुके जाने लाजमी ने, पर सब के विचाले सिकंदर सिंह मलूका को लेकर कांग्रेस के सूबा प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का वड्डा बयान सामने आया। तो पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ने वड्डा दावा कर दिया गया कि सिकंदर सिंह मलूका भी जल्द श्रोमणी अकाली दल को अलविदा कहेंगे। यह दावा राजा वड़िंग कर रहे हैं। राजा वड़िंग के वालों वड्डा बयान दिता कि जल्दी ही सिकंदर सिंह मलूका भी अस्तीफा देंगे, सवेरे तक अज रात या कल सवेर तक अकाली दल छड़ देंगे। राजा वड़िंग ने वड्डा दावा कर दिता है। अकाली दल के अंत की शुरुआत हो गई है। मलूका के नूह पुत बीजेपी का दरअसल शामिल हुए हैं। परमपाल कौर को बठिंडा तो टिकट मिलने की चर्चा है। इस दे विचाले पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग तो दावा किया गया। इतने भी जरूर जिक्र करना बनता है क्योंकि राजा वड़िंग के वालों पिछले दिन दावेदारी भी जताई गई, हाईकमान तक आवाज ही पहुंचाई गई क्योंकि वो अपनी धर्मपत्नी अमृता वड़िंग लैके जी बठिंडा तो टिकट मंग रहे हैं। तो उसे राजा वड़िंग के वालों हूँ सिकंदर सिंह मलूका लैके यह वड्डा दावा कर दिता है कि जिते नौ पुत चले गए बीजेपी के हूँ कोई ज्यादा समा नहीं लगेगा। सिकंदर सिंह मलूका भी अकाली दल अलविदा कहेंगे जो राजा वड़िंग के दावे के मुताबिक सिकंदर सिंह मलूका अलविदा कहेंगे अकाली दल नूं और अज दिन वेले शाम वेले या कल सवेर तक अस्तीफा दे देंगे। ये दावेदारी इन्नी स्ट्रोंग दावेदारी इन्नी स्ट्रोंग प्रेडिक्शन जिहड़ी हैगी है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कर रहे हैं। राजा वड़िंग कह रहे हैं कि हुण जिहड़ा अंत है श्रोमणी अकाली दल का वह शुरू हो चुका। सब तो अहम गल भी परमिंदर जिहड़ी चर्चा चल रही है परमपाल कौर के बीजेपी में जाने बाद उन्होंने अस्तीफा मंजूर होया नहीं। 2015 परमपाल कौर DDPO तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर के अहुदे तो IAS कैडर के लिए सिलेक्ट हुए थे। नॉन सिविल सर्वेंट के कैटेगरी चो नॉन स्टेट सिविल सर्वेंट्स की कैटेगरी यानी जिहड़े PCS के थ्रू आते हैं अधिकारी उन्होंने IAS के भेजा जाता है। सूबा सरकार के वालों प्रमोट किया जाता है पर सूबा सरकार का एक अख्तियार होता है कि वह दो अजिहे अधिकारियों या दो अजिहे मुलाजमान जिहड़े नॉन स्टेट सिविल सर्विस तो ने जिहड़े PCS नहीं ने जिहड़े स्टेट सिविल विच नहीं ने उन्होंने भी भेज सकती है। और उस वेले हर्ष नायर ते परमपाल कौर दोवां नूं IAS दे विच भेजा गया सी। हंगामा उस वेले भी होया सी और हंगामा हुण भी होया जदों IAS तो उन्होंने अस्तीफा दिता है। हंगामा हालांकि हुण इस करके है क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और CM उन्हां ते सीधा निशाना साध रहे ने पर राजा वड़िंग वड्डा बयान दे रहे जी। करीबी व्यक्ति अगली खबर सुनाना चाहता हूं। सबसे करीबी मलूका साहब की आज बहू चली गई, वो बहू जिनको उन्होंने IAS बनाया था, ये आपस की बात होके गई है। आज रात तक या सुबह तक मलूका साहब भी अकाली दल से इस्तीफा देंगे ये खबर है। ये मैं कह रहा हूं कि ये अकाली दल के अंत की एक नई शुरुआत है। वैसे तो इस बार जब 100 साल पुरानी पार्टी का एक भी सदस्य जो एक आधा था वो भी साथ में नहीं है तो वो विधानसभा नहीं पहुंचा। खुद बादल साहब हार गए, खुद मजीठिया साहब हारे, खुद सुखबीर बादल हारे, तो मैं समझता हूं कि ये अंत है। सो ये अंत है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कह रहे हैं। और बठिंडा दी सियासी तस्वीर, बठिंडा दी सियासी तस्वीर कुछ इस तरीके दी हो सकती है। 3 महिलावां और एक इकले गुरमीत सिंह खुडियां चुकोना मुकाबला। बिल्कुल एक पिक्चर की गल करिए बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्लीयर हो चुकी है क्योंकि गुरमीत सिंह खुडियां जी आम आदमी पार्टी ने बठिंडा सीट से चुन मैदान के उतारे गया। पर बाकी अजे संभावी चेहरे ने संभावी उम्मीदवार ने गल की जाए BJP की कि अज दिल्ली के ज्वाइनिंग हुई। दिल्ली के परमपाल कौर जिहड़े के साबका मंत्री सिकंदर सिंह मलूका के नूह ने उन्होंने वालों BJP का पला फड़ा गया। BJP वालों इन्हों चुन मैदान के बठिंडा तो उतारिया जा सकता है। दूजे पास गल अमृता वड़िंग की करिए तो कांग्रेस पार्टी के वालों अमृता वड़िंग उम्मीदवार हो सकते हैं। पिछले दिन ही राजा वड़िंग सीधे सीधे तौर पर कहा गया उन्होंने अपने बारे कहा कि वो वड्डी जिम्मेवारी और प्रधान ने इस करके पूरा पंजाब देखना अपनी धर्म पत्नी कि उन्होंने वालों टिकट मंगी गई। अमृता वड़िंग कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। हरसिमरत कौर बादल क्योंकि हालांकि उम्मीदवार के वजों ऐलान नहीं किया गया पर लगातार सरगर्मियों की गल की जाए हर रोज वक् वक् हल्कों के जाके पिंडों के जाके छोटी छोटी रैलियां की जा रही लोगों से राबता कायम किया जा रहा है। तो यह भी कितना कितने साफ है कि अकाली दल के वालों जे हरसिमरत कौर बादल उम्मीदवार हो सकते हैं। सो महिलावां की गल की जाए तो तिकड़ी एक महिलावां की हो सकती है पर दूजे पास हालांकि खुडियां ने एक होर फैक्टर है प्रधान की पत्नी और प्रधान की पत्नी और प्रधान की पत्नी दो प्रधानों की पत्नी पार्टी प्रधानों दियां बैटर हाफ मैदान दे विच ने। और गल असी महिलावां दी कर रहे हैं तो महिलावां दी इस दावेदारी दे विचाले एक वड्डा चेहरा है महिला चेहरा जिहड़ा हिमाचल दे विच चोण मैदान दे विच है मंडी दे विच कंगना रणौत कुछ कह रहे हैं सुनदे हैं। आपका शोषण करने का प्रचलन था
लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता था, चुप करा के भगा दिया जाता था। इसके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई तो यही वंशवादी, यही परिवारवादी कुछ पप्पू जो शराब और ड्रग्स के नशे में धुत रहते हैं, इन्होंने मुझे डराया, मुझे धमकाया, यहां तक कि मुझे नोटिस भेजा और मुझे जेल में डालने की कोशिश की। लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, इन्होंने मुझे